हेलो दोस्तों, मैं हूं विकास और ट्रांसपोर्ट अड्डा में आपका स्वागत करता हूं। और आज आपके लिए लेके आया हूं एक न्यू वीडियो जो कि है ऑनलाइन ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए। उसमें आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होती है वो सब हम आपको बताएंगे। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बताऊँ लर्निंग ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं। सबसे पहले आपको चाहिए होता है एज प्रूफ। एज प्रूफ में आप जो है बर्थ सर्टिफिकेट, हाई स्कूल सर्टिफिकेट या वोटर आईडी में से कुछ भी आप दे सकते हैं। और दूसरे नंबर पे होता है एड्रेस प्रूफ। एड्रेस प्रूफ में आप जो है राशन कार्ड या इलेक्ट्रिसिटी बिल या आधार कार्ड, पैन कार्ड या वोटर आईडी में से कोई भी एक दे सकते हैं। और तीसरा इसमें होता है सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म। तो ऑनलाइन आपके सेल्फ डिक्लेरेशन का फॉर्म होता है, उसमें आपको सब डिटेल फिल करनी होती है, आपका नाम, डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस, सब कुछ। उसके बाद आप अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों अब मैं आपको बताता हूँ परमानेंट ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होती है। इसके लिए आपको लर्निंग लाइसेंस की ज़रूरत होती है। दोस्तों आपने जो लर्निंग लाइसेंस बनवाया था वो आपको लर्निंग लाइसेंस अब चाहिए होगा। और साथ ही आपको एक एड्रेस प्रूफ, आप आधार कार्ड इसमें दे सकते हैं। और साथ ही आपको एक सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म होता है वो फिल करना होता है। और यह सब डॉक्यूमेंट होने के साथ ही आप एक फ़ोटो और सिग्नेचर की कॉपी को स्कैन करके रख लीजिए। यह सब चीज़ें कर लेने के बाद आप ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों यह वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।